रोहन नक्षत्र में है ना। अच्छा, रोहन नक्षत्र लगाने के बाद अच्छा ज्यादा मुनाफा मिलेगा। अच्छा दोस्तों, जैसा कि हम जो है फिर से खीरा खेत में आ चुके हैं। खीरा खेत का जो वीडियो मेरा काफी ज्यादा वायरल हुआ था, और अभी जो देखो यहाँ पे खीरा जो है ये मेरा लग चुका है, जो कि हमारे चाचा जी लगाए, और ये छोटे छोटे खीरा का यहाँ पे पौधा है, और इसके पीछे जो है ये देखो ये सब्जी का पौधा है, जो कि सब्जी का पौधा ये जो है काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। अभी इसमें जो है खुट्टा खम्भी किया जा रहा है, इसमें भी जो है खुट्टा खम्भी होगा, लेकिन ये अभी छोटा है, ये गर्मी के सीजनों में लगता है, थोड़ा थोड़ा बारिश होता है। अभी जो है थोड़ा सा बारिश वारिश हो रहा है दोस्तों, मौसम जो है पूरा भी जो ठंडा ठंडा हो रखा है, और बारिश और गर्मी दोनों होता है, और उसी टाइम में जो है हम लोग खीरा लगाते हैं, और सावन के महीना में जो है खीरा सेलिंग करते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे जो है कैसे काम होता है खीरा खेत में। तो हमारे बाबा जी है जो कि काम कर रहे हैं, और चाचा जी देखिए यहाँ पे सूता को जो है इस धागा को जो है टान रहे हैं, और इसको जो है बांस के मदद से टाना जाता है, और इसमें जो है अच्छे से जो है इसको एडजस्ट करके किया जाता है। देखो ये जो है अभी काम कर रहे हैं, इस जो यहाँ पे जो है काफी सारा, देखो ये जो है खूंटा है, बांस का खूंटा है, इस चीजों को जो है देखिए यहाँ पे गड़ने वाला जो सारा चीज रहता है, जैसा कि देखो यहाँ पे ठोकने वाला रहता है, इस चीज को जो है यहाँ पे इसको थोड़ा सा पकड़ के यहाँ पे ठोका जाता है। देखिए यहाँ पे इसको जो है देखिए दोस्तों इसको जो है पकड़ के ये जो है ये जमीन में काफी अंदर तक चला गया है, और अब जो है इसके ऊपर जो है यहाँ पे रस्सी यहाँ से टाना जाएगा, और फिर उधर से जो है तार भी टाना जाएगा, और उस पे जो है इसका जो है जो देखो यहाँ पे खीरा का ये जो है ये देखो खीरा का जो है काफी अच्छा तैयार हो चुका है। यहाँ पे देखो खीरा ये हो चुका है, और इसको जो है ये जब थोड़ा सा आगे हो जाएगा तो फल देगा, और खाने में जो है खीरा जो है काफी ज्यादा टेस्टी रहता है, सभी लोग जो है खीरा खाने में जो है काफी इंटरेस्टेड रहते हैं। और सावन के महीना में जब तैयार होता है तो जो है जितने भी कांवर यात्रा वाले लोग होते हैं सभी लोग जो है खीरा खाते हैं, और चाचा भी हमारे काम कर रहे हैं। तो चाचा जी बताइए कैसे लग रहा है काम करके? काम करने में अच्छा लग रहा है। अच्छा, खीरा के बारे में थोड़ा सा बताइए कि खीरा मतलब, क्योंकि हम भी लगाते हैं लेकिन आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि काफी सारा लोग इस वीडियो को देखेंगे, तो खीरा कैसे अगर कोई लगाना चाहे तो उसका कुछ थोड़ा विधि बता दीजिए। खीरा लगाने का जैसे कि अगर थोड़ा सा अगर खीरा लगाएंगे तो उसमें वो क्या बोलता है रोहन नक्षत्र में है ना। अच्छा, रोहन नक्षत्र लगाने के बाद अच्छा ज्यादा मुनाफा मिलेगा। अच्छा अच्छा, आप पीछे वाला भी पीछे का मुनाफा मिले, आगे का जो होता है हाँ। उसका तो कुछ अलग ही मजा। अच्छा, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि कौन सा कंपनी का हम खीरा लगाए, तो कौन सा कंपनी का खीरा लगाना चाहिए? खीरा लगाना चाहिए सर, लगाना चाहिए भारत माता ही। भारत माता दोस्तों, अगर भारत माता का अगर आपके एरिया में अगर कहीं पे खीरा दिखे, खीरा का बीज, तो उस बीज को आप लगा सकते हैं। हम लोग जो है भारत माता लगाते हैं ना। तो ये खीरा कितने टाइम लगेगा? और ये खीरा अब बहुत से ज्यादा तो 20 दिन में दोस्तों ये खीरा तैयार हो जाएगा, और ये खीरा जो है फल देना स्टार्ट करेगा, और खीरा फिर खा सकते हैं आप लोग। और इसमें अभी कुछ केमिकल वेमिकल कुछ नहीं, इसमें कुछ में भी केमिकल कोई भी किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं डाला हुआ है, कोई मतलब केमिकल मुक्त है। केमिकल मुक्त है। अच्छा, तो इसके अभी इसमें और क्या क्या चीज काम बचा हुआ है अभी करने में? अभी इसमें ये तार टानेंगे, उसके वजह से टानेंगे धागा जो बोलता है उसको टानने के बाद, उसके बाद तब इसमें फिर हम खाद देंगे। दोस्तों ये जो है काफी स्ट्रगल होता है इसमें जो है, इसको जो है काफी प्रोसेस के हिसाब से काम होता है। और ये कितने टाइम तक ये फल देता है? ये करीबन 60 दिन तक। 60 दिन तक फल देता है दोस्तों, और तैयार होने में टाइम मतलब 90 दिन का ये खेती है। 90 दिन का ये दोस्तों खेती है, और 90 दिन के अंदर जो है काफी अच्छा खासा इसमें मुनाफा जो है जनरेट किया जाता है। और देखिए हमारे पीछे जो है काफी सारा चीज है, देखो अलग अलग चीज है, जैसे कि वहां पे आगे खीरा है, और यहाँ पे ये क्या चीज का है? ये उसमें ये है क्या बोलता है, ये झिंगली है। झिंगली ये दोस्तों छोटा छोटा जो है झिंगली है, इसमें प्लस में खीरा भी है। अच्छा, खीरा हुआ है। खीर दोस्तों एक जो फल है इसका सतपुतिया हम लोग घरेलू भाषा में बोलते हैं वो है, और इसमें जो है खीरा दो चीज इसमें मिक्स है, ऐड है, दोनों इसमें जो है ऐड करके लगाया गया हुआ, ताकि खीरा भी फल दे दे और झिंगली जिसको बोलते हैं वो भी फल दे दे। और इस सारे सभी में है या फिर किसी किसी में? थोड़ा सा मैं किसी किसी में है। अच्छा, किसी किसी में किसी किसी लगाया, उसके बाद ये झिंगली का ही ज्यादा है। अच्छा, अब इसमें देखिए वाले फलाना शुरू हो गया, फलाना शुरू कर दिया। अच्छा देखिए इसमें जो है इसमें जो फल आना शुरू कर दिया, अभी बच्चा है लेकिन उसमें जो है फल जो है जल्दी आ जाएगा। देखो दोस्तों इसी पानी में जो है हर हमेशा जो पैर भींगा हुआ रहता है, और काफी स्ट्रगल का सामना करके जो है खेती होता है, और आप लोगों के पास जो है खीरा जाता है, और आप लोग मजे से खाते हैं। तो हमें लोग किसान भाई को भी सपोर्ट किया करो, और आगे बढ़ने में हमें भी थोड़ा मदद किया करो। हम जो है आप लोगों के लिए खीरा के लिए अलग अलग ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे।